हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑप्शन वैद्य सेलों के संयोग। दो, जब हम किसी परिपथ में एक सेल से धारा ले रहे होते हैं और आवश्यक धारा हमें नहीं मिलती, तो स्थिति में एक से अधिक सेलों को आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। और सेलों को, एक से अधिक सेलों को जोड़ने को ही हम क्या कहते हैं, सेलों के संयोग। साथ साथ एक बात भी का भी ध्यान रखें, एक टर्म्स आता है बैटरी। बैटरी क्या है, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को ही हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ध्यान दें, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को ही हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अब सेलों को हम जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, इस तरह से जोड़ सकते हैं, विस्तृत क्रम में भी जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं श्रेणी क्रम, इन सीरीज। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप जानते हैं सेल के दो टर्मिनल होते हैं। एक सेल का ये सिंबल है, इसी परिपथ में सेल को प्रदर्शित करने की दो लाइनें होती है, एक बड़ी लाइन होती है, उसी के पैरेलल छोटी लाइन होती है। बड़ी लाइन उसके धन सिरे को प्रदर्शित करती है, छोटी लाइन ऋण सिरे को प्रदर्शित करती है, यानी बड़ी लाइन जो होगी एनोड को और छोटी लाइन कैथोड को प्रदर्शित करती है। अब जब भी दो सेलों को हम जोड़ते हैं, जो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो पहले सेल की जो दूसरी प्लेट होती है यानी ऋण प्लेट होती है, उसको अगले सेल के धन प्लेट से, फिर दूसरे सेल की ऋण प्लेट को तीसरे सेल की धन प्लेट से, इस तरह से जब जोड़ते हैं तो ऐसे संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी संयोजन के नाम से जानते हैं। फिर से ध्यान दें, जब पहले सेल की ऋण प्लेट को दूसरे सेल के धन प्लेट से, दूसरे सेल की ऋण प्लेट को तीसरे सेल के धन प्लेट से, और इसी तरह से जोड़ते चले जाते हैं, तो इस तरह से संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी संयोजन कहते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एन सेल है जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। सभी सेलों के विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध समान है। सभी सेलों का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R। कितने सेल जोड़े गए हैं, N सेल, N सेल जोड़ दिए गए। किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम। ये बाह्य परिपथ है, बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कितना है, I, सॉरी R है, और टोटल धारा जो बह रही है यहाँ I बह रही है, साथ में एक E लगा दी गई है इस तरह से। अब N सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिसमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। तो सेलों से जो बाह्य प्रतिरोध जुड़ा है, उसका बाह्य परिपथ जुड़ा है, उसका प्रतिरोध R है। तो सेलों का कुल विद्युत वाहक बराबर हो जाएगा M E के। ई सेल जोड़े हैं कितनी बार, एन बार, यानी ई को जोड़ेंगे आप कितने टर्म्स, एन टर्म्स, और एन टर्म्स जोड़ेंगे तो आ जाएगा टोटल एन ई आ जाएगा। कुल आंतरिक आई से जोड़ते जाएंगे आर प्लस आर कितने टर्म बार, एन बार, और एन बार जोड़ेंगे तो दो बार जोड़ेंगे टू बार, तीन बार जोड़ेंगे तीन बार, एन बार बराबर जोड़ेंगे एन आर आ जाएगा। क्यों, सब देखें तो सभी प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनके जो आंतरिक प्रतिरोध हैं वो भी किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ये भी बराबर हो जाएगा आर प्लस एन आर, इसके साथ कुल आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में। अतः धारा कुल हो जाएगा E कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध होता है। तो कुल विद्युत वाहक बल एन ई है और कुल प्रतिरोध है R प्लस एन आर धारा। अब यहाँ कंडीशन पर विचार करते हैं, यदि एन आर बहुत छोटा हो गया R से, तब I बराबर हो जाएगा एन आर को निगलेक्ट कर देंगे, एन ई बाई कैपिटल R बराबर एन गुणे ई वाई आर एक सेल की धारा होगी।
अर्थात यदि शल्य का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य परिपथ के प्रतिरोध की तुलना में क्या कम है, तो ऐसे शल्य को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या धारा का मान बढ़ जाए। अगली कंडीशन पर विचार करते हैं दूसरे, यदि एन आर बहुत बड़ा है आर, तब हम आर को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा एन ई अपान एन स्मॉल बराबर हो गया एक शल की धारा। यानी यहाँ से यदि शलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य परिपथ के प्रतिरोध की तुलना में अधिक है, तो ऐसे शलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि एक ही शल की धारा मिलेगी। तो क्या जरूरत है कि हम ज़्यादा रुपया खर्च करें और धारा एक ही शल का प्राप्त करें। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। आइए दूसरा देखते हैं समांतर। सपोज कर लेते हैं यह अंशल है जो समांतर क्रम में जोड़े गए, सभी के विद्युत आग बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर, एक बार परिपथ से जुड़ा इसका प्रतिरोध आर टोटल धारा आ रही है, बाय प्रतिरोध का प्रतिरोध है आर, एक की लगाएगी इस तरह से, कितने सेल जुड़े एन सेल, किस क्रम में जोड़े गए हैं सब समांतर क्रम जोड़े गए। अब ये देखते हैं कुल विद्युत बाह्य बल, अब यहाँ देखें तो सभी शब्द इन्हीं दो बिंदुओं के बीच है, इसलिए विद्युत वाहक बल जो एक शल का होगा वही सभी शलों का होगा, टोटल विद्युत वाहक ई ही होगा। यदि कुल आंतरिक प्रतिरोध आर वन है, तब अब देखिए ये सभी प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े, तो स्थिति में टोटल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा वन अपान आर प्लस वन अपान आर प्लस वन अपान आर, कितनी बार एन टर्म्स, या वन अपान आर वन बराबर हो जाएगा जोड़ेंगे दो तीन, कितनी बार जोड़ेंगे एन, तो एन बाई आर हो जाएगा, यहाँ से आर वन बराबर हो जाएगा आर वन एन के। अब धारा आई इक्वल कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल है ई, कुल प्रतिरोध है बाह्य परिपथ का प्रतिरोध आर और आंतरिक प्रतिरोध आर बाय एन, और सरल कर लें तो हो जाएगा एन ई अपान आर प्लस एन आर प्लस स्मॉल, ये मिल गई धारा। अब कंडीशन पर विचार करें, पहली कंडीशन यदि आर बहुत छोटा है आर से, तो आर को निगलेक्ट कर देंगे, उस स्थिति में आई बराबर आ जाएगा एन ई अपान एन आर टेंशन ई वाई आर, एन ई मिल गया एक शल की धारा, अर्थात ऐसे स्थिति में एक से अधिक शलों को जोड़ने से कोई लाभ नहीं, एक सी शल की धारा मिलेगी, कब, जब शलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या है बाह्य परिपथ की प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम। दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब आर बहुत बड़ा हो जाए आर से, तो इस आर को निगलेक्ट कर देंगे, तो आई बराबर हो जाएगा एन ई अपान इस्माला बराबर एन गुणे सेल की धारा। यानी इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य परिपथ के प्रतिरोध की तुलना में अधिक है, तो ऐसे सेलों को किस क्रम में जोड़ देना चाहिए, समांतर क्रम, क्यों, क्योंकि धारा का मान क्या होगा बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा एन गुना बढ़ जाएगा।
आइए अगली क्रम पर विचार करते हैं। दो क्रम हो गया आपके पास मिश्रित क्रम, मान लेते हैं कि एम शल श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे और ऐसे ही एन शलों की एन पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी। जी बात कपट में धारा भी रही निशल एन एम शल, कितनी पंक्तियां एम पंक्ति। अब आइए देखते हैं कि टोटल प्रतिरोध कितना होगा। सबसे पहले कुल विद्युत वाहक बल देख लेते हैं। तो कुल विद्युत वाहक बल होगा जो एक लाइन का विद्युत वाहक बल है और एक पंक्ति का जो विद्युत वाहक बल आएगा वो आ जाएगा आपका एन पी। अब ये कुल आंतरिक प्रतिरोध, आर वन है प्रत्येक पंक्ति जो होगी इस क्रम में समांतर, एक पंक्ति का जो टोटल आंतरिक प्रतिरोध आएगा आर प्रतिरोध है सबके, और कितने प्रतिरोध हैं एक पंक्ति में एन, किस क्रम में जुड़े हैं श्रेणी, तो टोटल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा एक पंक्ति का एन आर, और ऐसे ही हम पंक्तियां किस क्रम में हैं समांतर, तो यानी एन आर प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में, कितनी बार एन बार, यानी यहाँ से वन अपान आर वन बराबर आ जाएगा एम अपान एन आर, आर वन याद करें तो आ जाएगा एन आर बाई एम। अब यहाँ से आसानी से धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं या परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका आर वन प्लस आर, आर वन का मान एन आर बाई एम प्लस आर। अब आइए देखते हैं धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल कितना है एन ई, कुल प्रतिरोध कितना है एन आर बाई एम प्लस आर, या I बराबर और सरल कर तो एन ई ये एम ऊपर चला जाएगा यानी एम एन ई एन आर प्लस एम आर, ये बन तो ये मिल जाएगी आपको यहाँ से धारा। धारा कितनी मिल गई एन आर प्लस एम आर की। तो इस तरह से धारा मिल जाएगी आपको एन आर प्लस एम आर की। अब आइए देखते हैं कि धारा का मान मैक्सिमम कब मिलेगा। धारा का मान मैक्सिमम कब होगा मिश्रित क्रम में, जब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर जो एन आर प्लस एन आर है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन आर प्लस एम आर को, गणित का उपयोग करके आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट एम आर एन आर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये पहलू मिनिमम कब होगी, जब इसमें से कोई टर्म शून्य हो जाए यानी ये टर्म शून्य हो जाए, तो ये टर्म शून्य हो सकता है क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, तो इस स्थिति में इसका मान अधिक होगा यानी यहाँ से लिख सकते हैं आप अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर बराबर जीरो, या अंडर रूट
एन आर माइनस अंडर रूट एम आर इक्वल टू या अंडर रूट एन आर बराबर अंडर रूट एम आर पचहत्तर कर लिया गया, वर्ग कर लिया जाए कभी हट जाएगी एन आर बराबर एम आर की यानी आर बराबर एन आर बाई एम। अब पीछे देखें तो एन आर बाई एम क्या था, कुल आंतरिक प्रतिरोध था सेलों का, यानी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के प्रतिरोध के बराबर है। तो ऐसे सेलों को किस क्रम में जोड़ने से लाभ है, मिश्रित क्रम से में जोड़ने से लाभ है। फिर से ध्यान दें, यदि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के प्रतिरोध के बराबर है तो ऐसे सेलों को किस क्रम में जोड़ने से लाभ है, मिश्रित क्रम जोड़ने से लाभ है। बस सवाल यहीं तक।